इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने हत्या एवं लूट के उद्देश्य से घर में घुसकर महिला पर धारदार चाकू से हमला करने के मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 धारदार चाकू भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र की है, जहां 9 अगस्त को स्कीम नंबर 136 में रहने वाली 45 वर्षीय शिक्षिका शीलापति राजेश बोरिया पर अज्ञात लोगों ने हत्या और लूट की नियत से हमला कर दिया था, लेकिन महिला द्वारा शोर मचाने पर तीनों आरोपी बिना कुछ लूटे वहां से भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर कुछ युवक रहते हैं। सूचना पर पुलिस ने वहां से 3 नाबालिग को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एक दिन पहले महिला के घर की रेकी की थी और दूसरे दिन घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 धारदार चाकू भी बरामद किए। गिरफ्तार किए गए आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं और नशे की लत के चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसी जानकारी लगी कि उस क्षेत्र में कुछ पीछे झोपड़पट्टी वहाँ पर कुछ इस टाइप के जो लड़के हैं वो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। थाने की टीम ने अपने सूचना संकलन के आधार पर 3 लड़कों को वहाँ से पकड़ा। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। घटना का विवरण इस प्रकार से रहा कि इनके द्वारा जो नाबालिग जो 3 आरोपी हैं इनके द्वारा पहले एक दिन पहले महिला को रेकी करके देखा गया कि महिला शाम के समय घर में अकेली रहती है और गले में उसके चेन और मंगलसूत्र है, तो उनके द्वारा उसको लूटने की योजना बनाई गई। उसके अगले दिन उनके द्वारा शाम को लगभग 5:30 बजे उनके घर के बाहर पहुंचकर नकाब पहनने के बाद उनके द्वारा पहले पपीते का जो पेड़ है उससे पपीता तोड़ा गया, जिसके कारण महिला बाहर आई और उनको डांटा, तो ये तीनों जो लड़के थे वो उसको धक्का देकर अंदर घुस गए और उसको हाथ पकड़ के और उसके गले में चाकू से वार कर दिया। लेकिन चूंकि महिला ने वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया तो पति ऊपर थे, तो पति के आने के कारण लड़के बिना कोई सामान लिए जाए वहाँ से भाग गए और वो घटना को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाए। इस प्रकार से थाने की टीम के द्वारा लगातार क्षेत्र में अपना सूचना संकलन के द्वारा और मुखबिर तंत्र के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया है। इंदौर से एनके मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।